आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अजय कुमार ने, और वीडियो का टाइटल है उत्तराखंड चारधाम यात्रा ट्रैवल गाइड उत्तराखंड टूरिज्म। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। उत्तराखंड में दो मेन रीजन्स हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। नैनीताल अल्मोड़ा कुमाऊं साइड में आता है और उत्तराखंड के चार धाम गढ़वाल रीजन में आते हैं। आने वाले 2 से 3 साल में हम कुमाऊं रीजन में भी ट्रैवल करेंगे। इस बार हमने उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ट्रैवल किया। इस समरी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने खुद के लिए उत्तराखंड चारधाम यात्रा प्लान कर सकेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा आप 10 दिन में भी कर सकते हैं और हमारी तरह 1 महीने में भी कर सकते हैं। वैसे 10 दिन में चारधाम यात्रा करना टायरिंग है। अगर आप यमुनोत्री धाम का 3rd एपिसोड देखेंगे तो उसमें आप हमारी आइटनरी देख सकते हैं और 10 दिन में यात्रा कैसे होती है वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास केवल 9 से 10 दिन का समय है तो मेरी समझ के मुताबिक आप इस पूरी यात्रा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले आप आइए और 2 धाम करिए, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम। 1 या 2 साल बाद या 3 साल बाद आप दोबारा आइए और केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करिए। ऐसा करने से आपके लिए बेहतर रहेगा। जब आप बद्रीनाथ धाम जाएंगे तो आप 4 दिन एक्स्ट्रा लेकर जाइए जिससे कि आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कर सकें और वैली ऑफ फ्लावर्स भी जा सकें। पहाड़ में चलते समय आपको जगह जगह सीनिक व्यूज देखने को मिलेंगे। जो व्यू मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था उत्तरकाशी से हरसिल का सफर। मेरा मन कर रहा था आखिरी के 20 किलोमीटर हम पैदल चलें और सीनिक व्यूज को इंजॉय करते करते 4 से 5 घंटे लगाकर हरसिल पहुंचे। सब कुछ अल्टीमेट था। चार धाम यात्रा करते समय फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को यह नहीं पता होता कि गाड़ी कहां तक जाएगी। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूं। सबसे पहले यमुनोत्री धाम की बात करते हैं। आप गाड़ी में जानकी चट्टी तक जा सकते हैं। उसके आगे 5 किलोमीटर आपको ट्रैक करना होगा, चढ़ाई स्टीप है। 1 किलोमीटर चढ़ने में अप्रॉक्सीमेटली आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो 2.5 से 3 घंटे में आप यमुनोत्री धाम पहुंच जाएंगे। बच्चों के लिए पिट्ठू और बुजुर्ग लोगों के लिए डोली की सुविधा उपलब्ध है। काफी यात्री पोनी में भी सफर करते हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा सा रिस्की है, अगर संभल कर नहीं बैठे तो नीचे गिर सकते हैं। माँ यमुना कलयुग के उद्धार के लिए इस स्थान पे आई। कैसे? हमारे पूर्वजों में जयमुनि नाम के ऋषि हुए, उन्होंने बैठ करके इस स्थान पे माँ यमुना की तपस्या की और माँ यमुना को गोलोक से इस स्थान पे लाया। गंगोत्री धाम की अगर बात करें तो पार्किंग टेम्पल से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आपके पास ज्यादा लगेज है तो आपको अपने गेस्ट हाउस तक जाने के लिए पोर्टर की मदद लेनी होगी। राजा भगीरथ इस गंगोत्री नामक स्थान पर आए और 5500 वर्ष तक उन्होंने माँ गंगा की यहाँ पर कठोर तपस्या की। तब माँ गंगा प्रसन्न हुई, उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी पे आती हूँ लेकिन मेरा बेग को कौन संभालेगा। और फिर उन्होंने बताया कि मेरे बेग को एक ही संभाल सकता है, वो महायोगी भोलेनाथ हैं। तो माँ गंगा की जो बात को जब सुना राजा भगीरथ ने, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की और तब भगवान भोलेनाथ ने इसी गंगोत्री नामक स्थान पर एक पैर सुमेरु पर एक मेरु पर रखा और पूरी आवाज जोर से निकाली, हर हर गंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाया। तब माँ गंगा स्वर्ग से चली और सीधा ही उनके जो मस्तिष्क पे उतर गई। आपकी अगर फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1 नाइट और 2 डेज के लिए गोमुख ट्रैक जरूर करें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। मैं पहली बार ऐसा नजारा देख रहा हूँ, जब एडवेंचर तो हो ही रहा है, एडवेंचर के साथ साथ टेंशन भी है, कभी ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, कभी हम फिसल ना जाए, कभी पांव गलत ना बुड़ जाए, और बर्फबारी आप देखो अच्छे खासे फ्लो में स्टार्ट हो चुकी है।
वाह, देख ही रहे हो सामने पड़ रही है भोजवासा, हार्डली 200 मीटर दूर है। डेली बेसिस पर लगभग 150 लोगों को गोमुख यात्रा करने की परमिशन मिलती है, तो बेहतर रहेगा आप इस परमिशन के लिए एडवांस में अप्लाई कर दीजिए। केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आपको सोनप्रयाग से ट्रैक करना होगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं, कम ब्रेक्स लेते हैं, तो 5 घंटे में आप सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। हमें सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लगा। बीच बीच में हमने काफ़ी ब्रेक्स ली और सीनिक व्यूज इंजॉय करते करते ये यात्रा करी। सोनप्रयाग से अगर आप केदारनाथ धाम जाकर सेम डे वापस आना चाहते हैं, यानी रात को वहां नहीं रुकना चाहते, तो बेहतर रहेगा आप हेलीकॉप्टर सर्विस ले लीजिए, जिसके लिए आपको 6,000 से 7,000 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर मौसम ठीक ना हो तो आपको इंतजार करना होगा। हेलीकॉप्टर ऑप्शन के अंदर सर्टेनिटी नहीं है, अगर मौसम खराब हो तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, कभी कभी यात्री को 1 से 2 दिन इंतजार भी करना पड़ता है। नाइट स्टे करने के लिए GMVN बेटर चॉइस है, आपको एडवांस में बुकिंग करवा लेनी चाहिए। जो जीव जीवन में एक भी बार इस पुण्य क्षेत्र में आकर केदारेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर लेता है, वो जीव जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि इस स्थान पर सतयुग में भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी, तो भगवान महादेव ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन दिए और पूछा कि हे ऋषिवर, आपको क्या वरदान चाहिए। लेकिन नर और नारायण ऋषि की संत प्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने कहा, हे महादेव, हमें तो आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं, लेकिन आप इस संसार के कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए इस स्थान पे सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो जाइए। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपकी गाड़ी मंदिर की पार्किंग पॉइंट तक जाएगी। हिंदू धर्म के जो 4 धाम हैं, उनमें से बद्रीनाथ धाम एक है। अभी जो आप 4 धाम देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के 4 धाम हैं। कलयुग आने वाला था तो भगवान ने कहा कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, मैं मूर्ति के रूप में दर्शन दूंगा। तो भगवान विष्णु ने अपना सारा स्वरूप जो है मूर्ति में डाल दिया। इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को किसी कलाकार ने बनाया नहीं संजनो, ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। अब बौद्धों का समय आया तो बौद्धों ने इस मूर्ति को निकाल करके नारद कुंड में डाल दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी को स्वप्न हुआ कि भगवान विष्णु की मूर्ति कहां पड़ी हुई है, नारद कुंड में पड़ी हुई है। तो इस मूर्ति की स्थापना, इस मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस नारद कुंड से निकाल करके और मंदिर पे स्थापित किया। बोला भगवान बद्री विशाल की जय। जोशीमठ से श्री बद्रीनाथ धाम जाते समय या फिर वापस आते समय आप श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी करिए। गुरुद्वारा गोविंद घाट से पहले 4 किलोमीटर आप जीप पर जाएंगे, उसके आगे के 9 से 10 किलोमीटर मीडियम डिफिकल्टी लेवल का ट्रैक है। आप गोविंद धाम में नाइट स्टे करिए, फिर आगे श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करिए, जो कि 6 किलोमीटर का रास्ता है, हाई डिफिकल्टी लेवल ट्रैक। इस जगह के बारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचित्र नाटक के 6वें अध्याय विच लिखा है, हेमकुंट पर्वत है जहाँ सपत सरिंग शोभित है तहाँ, हेमदार्थ हुंदा है बर्फ कुंड अमृत सरोवर, अते एदे चारे पासे 7 चोटियां सुभायमान हन। जब आप लौटकर गोबिंद धाम वापस आएंगे तो नाइट स्टे करिए और अगले दिन वैली ऑफ फ्लावर्स भी विजिट करिए। 4 किलोमीटर का ये ट्रैक है, घोड़ा या पोनी सर्विस अवेलेबल नहीं है, आपको ये ट्रैक पैदल करना होगा। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल की बात करते हैं, वैसे धाम ओपनिंग डेट्स के जो पहले कुछ दिन या पहले कुछ हफ्ते होते हैं काफ़ी भीड़ रहती है, उसके बाद मॉनसून का समय स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन में 15 जून से लेके 15 या 20 अगस्त तक आप ये यात्रा रूट पर जाना अवॉइड करिए। मेरे ओपिनियन में यात्रा का जो बेस्ट टाइम है वो है सितंबर मंथ, भीड़ भी ज़्यादा नहीं होती, आप दर्शन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल की बात करते हैं, अगर आप इकोनॉमिकल चलना चाहते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से आप बस ले लीजिए। हर डेस्टिनेशन से आपको आगे जाने के लिए बस आसानी से मिल जाएगी, थोड़ी टाइम की सेटिंग करनी होगी।
जैसे कि सोन प्रयाग से अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो सुबह के समय हर एक घंटे में 4 बसेज हैं, सुबह 5 बजे से लेके 6, 7, 8, 9 बजे तक। उसके बाद दिन भर में कोई भी बस नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड हाफ में चलना चाहते हैं तो वहां से आप शेयर कैब लेके रुद्रप्रयाग तक जा सकते हैं और रुद्रप्रयाग से आगे आपको हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए कंटिन्यू बस सर्विस मिलेगी। तो जर्नी को आप इस प्रकार से स्प्लिट कर लीजिए या फिर अगले दिन इंतजार करिए और अपनी आगे बस की जर्नी कर लीजिए। इस पूरे रूट पर आपको जगह जगह रहने की सुविधा मिलेगी, गेस्ट हाउस होटल्स जगह जगह हैं। 700 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के चार्ज में आपको डबल रूम ऑक्यूपेंसी आसानी से मिल जाएगी। मेरे अंदाज में अगर आप ये पूरी यात्रा सोलो ट्रैवल करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ की कॉस्ट में आप 10 से 11 दिन की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। ट्रैवल करने के लिए दूसरी ऑप्शन ये है कि आप GMVN की बस सर्विस ले सकते हैं। ट्रैवल और एकोमोडेशन इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड रहती है, फूड कॉस्ट एक्स्ट्रा। इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप गौमुख जाना चाहते हैं या किसी और जगह जाना चाहते हैं तो आपकी आइटनरी के अंदर वो नहीं रहेगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि हरिद्वार या ऋषिकेश से आप टैक्सी ले लीजिए। मई या जून महीने में आपको स्विफ्ट डिजायर जैसी व्हीकल 3,500 से 3,800 रुपए पर डे चार्ज पर मिल जाएगी। सितंबर में जाएंगे तो 2,700 से 3,000 रुपए का पर डे चार्ज रहेगा, क्योंकि सितंबर में कम यात्री जाते हैं, ट्रैवल कॉस्ट नीचे आ जाती है। हमने ये जर्नी इनोवा में करी जिसके लिए हमने पर डे 4,500 रुपए की कॉस्ट दी। बुकिंग हमने अपने लिए गंगोत्री ट्रैवल्स हरिद्वार से करवाई। हमने इस जर्नी में बहुत सारा गढ़वाली फूड एक्सप्लोर किया, विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस लिया, हॉस्पिटैलिटी को नजदीक से महसूस किया, फोक डांस देखा और भी बहुत कुछ किया। ये सब एक्सपीरियंसेस पाने के लिए समय की जरूरत है। कुछ मूमेंट्स ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। उनमें से एक मूमेंट थी जब हम टिपरी बिष्ट गांव गए थे। वो दिन मेरे को आज भी याद है और हमेशा याद रहेगा, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल मूमेंट। टॉप की 5 चीजें जो मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करी और मैं चाहूंगा जब आप इस रूट पर जाएंगे तो आप भी मिस मत करिएगा, वो हैं मंडवा की रोटी, गढ़वाल के राजमा, 7 से 8 तरह की यहाँ पर आपको राजमा की वैरायटी खाने को मिलेगी। अगर आपको पहाड़ी टेस्ट एंजॉय करना है तो जाखिया का तड़का आप बहुत एंजॉय करेंगे। बोलने में हम पहाड़ी जीरा बोल देते हैं लेकिन इसका टेस्ट और फ्लेवर एकदम अलग है। इसके अलावा मैंने आलू की थेचवानी बहुत एंजॉय करी, चैसू और बटवानी। अब आपसे मैं कुछ ट्रैवल टिप्स की बात करता हूँ। अम्ब्रेला और रेनकोट तो आप जरूर कैरी करिए, यात्रा रूट पर कभी भी बरसात हो जाती है, मौसम बदल जाता है। पहाड़ में चलते समय आप कोशिश करिए जर्नी की शुरुआत आप जल्दी करें और डे एंड भी जल्दी करें। हो सके तो सुबह 5 बजे चलिए और 3:30-4 बजे तक अपने डेस्टिनेशन पर आप पहुंच जाइए, आराम से नाइट स्टे करिए। ऐसा करने से आप ट्रैफिक जैम से भी बच सकेंगे। पहाड़ में आपको मौसम ठंडा मिलेगा, वुलन्स अपने साथ जरूर कैरी करिए। पहाड़ में सफर करते समय आप ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप परांठा खा के ये जर्नी करेंगे तो ज़िगज़ैग जब आपकी गाड़ी चल रही होगी तो आपको वॉमिटिंग भी आ सकती है और सिर में दर्द भी होगा, तो परांठा, ऑयली फूड, समोसे बिल्कुल अवॉइड करिए। आप अपना आधार कार्ड जरूर कैरी करिए क्योंकि जगह जगह आपको बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होती हुई दिखाई देगी, मोबाइल वैन्स भी दिखेंगी। चार धाम यात्रा के लिए आप कंबाइंड बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किसी भी एक जगह से करवा सकते हैं यात्रा के शुरू में ही। बेहतर रहेगा आप मोबाइल वैन के थ्रू करवा लें क्योंकि हमें याद है हमने सोन प्रयाग में देखा था बहुत भीड़ लगी हुई थी, रास्ते में भीड़ कम होती है, आपके लिए ईजी रहेगा। अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पर पहली बार जा रहे हैं तो बेहतर रहेगा गोमुख यात्रा के समय और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के समय अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करें। आप अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर जोशीमठ में आसानी से खरीद सकते हैं या आपको गंगोत्री धाम में या बाकी जगह भी किसी भी मेडिकल शॉप से ऑक्सीजन सिलेंडर आसानी से मिल जाएगा। अब मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं, कहीं पर जियो ठीक है, जैसे मेरे को याद है मैंने केदारनाथ धाम में देखा था वोडाफोन का नेटवर्क मेरे को वहां पर बेस्ट लगा। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसी का भी नेटवर्क नहीं आता जैसे कि गौमुख,
या फिर श्री हेमकुंड साहिब। अगर आप अपने साथ BSNL का सिम कैरी कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। मैंने देखा BSNL की नेटवर्क कनेक्टिविटी पहाड़ों में सबसे ज्यादा है। अगर आप ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस यात्रा रूट में काफ़ी सारी ट्रैकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से इंफॉर्मेशन रेफर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो ये पूरी जर्नी स्पिरिचुअली सेटिस्फाइंग है। कुछ पल के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्पीचलेस हो गए, मन में किसी भी प्रकार का थॉट नहीं होता, आप थॉटलेस हो जाते हो। इस अनुभव को महसूस करने के लिए आपको अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक बार तो चार धाम यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा जानकारी या फिर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको हमारी उत्तराखंड चार धाम सीरीज में देखने को मिलेंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को आप इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर रेफर करिए। हर जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगी। उत्तराखंड यात्रा कर लेने के बाद हम मेघालय गए। इस समय हम मेघालय से लौट कर वापस आ चुके हैं। इसके बाद आप मेघालय की सीरीज देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मेघालय में तीन रीजन्स हैं, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। हम तीनों रीजन्स में गए, हमने बहुत इंजॉय किया। इससे अगला एपिसोड आप मेघालय का देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जितना आपने उत्तराखंड सीरीज को इंजॉय किया उतना ही आप मेघालय सीरीज भी इंजॉय करेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ सीन्स मैं आपको मेघालय के दिखाता हूँ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नया डेस्टिनेशन, नया सफर। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स। बात करें इन चार धामों की तो बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो है ट्रैक देखा था जो कि केदारनाथ का था, बहुत खूबसूरत था उसका रास्ता। वहां पे जाने का जो है ना एक वो आनंद वो अपना ही है। बिल्कुल। और इससे पहले अगर हम लोगों को पता था तो केदारनाथ का पता था, और बद्रीनाथ सिर्फ हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने देखा नहीं था। और जो गंगोत्री धाम है और यमुनोत्री धाम है ये हमारे लिए वैसे नए है, क्योंकि मैं एक दिन पहले भी मौजम को ये बात बोल रही थी जब हम लोगों ने केदारनाथ देखा था, तो मौजम को मैंने बोला था कि बाकी के भी धाम जो वो हम किसी वीडियो में देखेंगे, और ये फाइनली हम लोगों को एक सजेशन मिली। बट इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट पूरी वीडियो देखें, ताकि हम लोगों को भी उस चीज का आइडिया हो सके कि किस किस तरह से जाते हैं लोग और वहां पर जाकर अपनी प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। वैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो अगर इन चारों धामों की बात करें तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जाने के लिए सुविधाएं बहुत ज्यादा है और तरह तरह से, जैसे हमने जो है केदारनाथ का जो है हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने जो है उस रूट का एक जो है मजा लेना है, आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सके, तो आप ट्रैकिंग पे जाएं बजाय आप हेलीकॉप्टर पे जाएं। और अगर मैं हेलीकॉप्टर की बात करूं तो हेलीकॉप्टर की मुझे पर पर्सन आई थिंक 6000 होगा, जो कि मुझे काफी रीजनेबल लगा है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर कैब्स देख लें या अगर डिफरेंट पैकेजेस की जैसे हमने बात की है तो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल सकते हैं। और अच्छी चीज सबसे यही है मौजम की, जो कि मौजम ने भी बोला, मौजम की नहीं मतलब इस वीडियो की सबसे अच्छी चीज ये है कि जिस तरीके से लाइक अच्छे प्रॉपर तरीके से रोड्स बने हुए हैं, आपको आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज बहुत अच्छी है। क्योंकि आपने जब भी कोई चीज विजिट कोई जगह करनी होती है तो इस चीज को बहुत ज्यादा आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि आपका सफर अच्छा गुजरे। क्योंकि अगर आपका सफर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से उस चीज को परफॉर्म कर सकोगे।
बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिस तरह उन्होंने गाइड किया है हर चीज को लेकर, हर जगह को लेकर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो सीजन में ही जाते हैं जब ज्यादा रश होता है। लोग कहते हैं कि ज्यादा रश हो तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपने किसी जगह जाना है, खासतौर पर ऐसी जगह जो कि एक सेक्रेट प्लेस है, तो वहां पे आप ऐसे वक्त में जाएं जब रश कम हो, लोग ज्यादा ना हो, ताकि आप जो है ना पूरी तरह से उस जगह को देख सकें सुकून से। और जैसे ऑफ सीजन में आपको नो डाउट कॉस्ट भी कम पड़ती है, आप अच्छे तरीके से घूम भी लेते हैं और कम बजट में आप ज्यादा जगहें भी देख सकते हैं। वैसे अगर मतलब जैसे मौजूद ने बोला, मतलब मुझे तो वैसे भी ज्यादा क्राउड वाली जगह जो उनसे होती है मुझे थोड़ा सा वहां पर होता है कि मतलब कम हो, क्योंकि मैं मतलब ऐसे विजिट भी करना चाहूँ तो मेरा भी ये मन होता है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से मुझे लगता है आप चीजें जो उनसे वो देख सकते हैं। अगर ज्यादा रश में आपको थोड़ा यू नो धक्कम पेल को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी इस वीडियो को देखकर, ये वो ये कि जो चार धाम जिनके बारे में हम लोग सुनते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब उत्तराखंड में है। चार धाम ये मेरे लिए हरिद्वार, हाँ उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड में आता है हरिद्वार, हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे लिए ये चीज एक नई है, और ये और मैं बाकी की भी वीडियो देखना चाहूंगी। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने वीडियोस बनाई हैं हर धाम की, डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाई है, तो वो भी हम लोग जरूर देखेंगे। अच्छा वैसे उन्होंने तो सारा जो है ट्रेवल किया, उन्होंने जो है एक महीना लगाया, कई लोग 10 दिन भी लगा सकते हैं। मेरे सामने जो है डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितना यहाँ पे डिस्टेंस है ना, तो मेरा ख्याल है कम अज कम आपको 3 से 4 हफ्ते यानी कि एक महीने में ये जगह घूमनी चाहिए। जैसे यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम जो है 224 किलोमीटर जो है इसका सफर है, जबकि गंगोत्री से केदारनाथ 352 किलोमीटर, केदारनाथ से बद्रीनाथ जो है 238 है, तो काफी ज्यादा सफर है ये भी। सबसे ज्यादा केदारनाथ तक है 352 किलोमीटर, इसीलिए तो उनको पता है, उन्होंने बीच में बोला भी था कि 5 घंटे वैसे लगते लेकिन हमें 10 घंटे लगे, क्योंकि हम लोग बीच में स्टे करते हैं पूरा, यानी कि वो जगह भी देखते गए। तो मेरा भी ख्याल है कि आपको थोड़ा सहूलत से जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए, ताकि आप हर चीज देख सकें और उस चीज का मजा भी ले सकें। बिल्कुल। वेली ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों में से कौन कौन इन धाम में विजिट किया है हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ बाबा मेरे चाल हमारे वीडियो लाइक, हमारे चैनल सब्सक्राइब वीडियो करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।